लो जी लो बीस बाईस दिन ही हुए होंगे और हमारी फसल भी उग के तैयार है आपको याद है मैंने कुछ दिन पहले एक ब्लॉग डाला था इसी जगह पे मैंने काफ़ी सारे बीज बोए थे और आपको दिखाया भी था तो हमारी फसल उग गई है तो मैं चली आई अपनी खेत पर <laughs> खेत पर यानी छत में छत में छोटी सी जगह में मैंने इस तरह से ये फसल उगाई हुई थी जिसमें पालक खटुआ भतुआ आलू प्याज बहुत सारी चीज़ें उगाई थी तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अपनी रसोई में पालक की रेसिपी तो मैंने कुछ पालक को तोड़ लिया है और साथ ही में हरी प्याज भी तोड़ ली है और साथ ही में मुझे एक मीठा बनाना था एक्चुअली मैं आज का जो मीठा है ना ये तनवी की डिमांड पर बन रहा है क्योंकि उसको ये बहुत पसंद है तो वो जिद करे जा रही थी तो मैंने सोचा चलो आज की इस रेसिपी के साथ ही मीठा बनाती हूँ और आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ तो बस अब चले भाई हम अपने किचन में आ गए हैं और अब बनाएंगे अपनी दोनों रेसिपी तो सबसे पहले तो हम दूध को रखते हैं साइड में और मैंने ले लिया है ये चॉपिंग बोर्ड और यहाँ पर मैं आपसे कहना भूल गई समझ गए होंगे आप कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं तो चलिए भाई यहाँ पर सबसे पहले कटिंग करेंगे हम प्याज की तो ये प्याज हमारे घर की है मतलब हमने खुद ही उगाई थी तो देखिए प्याज का क्या हाल है प्याज तो अंदर से बिल्कुल बेकार हो चुकी है लेकिन इसकी जो पत्तियाँ मुझे चाहिए थी स्प्रिंग ऑनियन चाहिए था वो बिल्कुल परफेक्ट है बहुत अच्छी तरह से उगाई है तो बस क्या करेंगे सबसे पहले हम प्याज को इस तरह से कट कर लेंगे रफली काटना है मतलब कोई बहुत बड़े बड़े टुकड़े मत करना थोड़े से छोटे छोटे से कर लेना क्योंकि इसको प्याज को ना फिर मैं चॉप करना है तो हमने प्याज काट ली है अब ये मैंने ले ली है पालक पता मैंने पालक धोने के उद्देश्य से इस छन्नी में रखी थी लेकिन ये इतनी साफ़ सुथरी इतनी बढ़िया पालक थी कोई इसमें कूड़ा करकट कर नहीं कोई गंदगी नहीं बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से हम लोगों ने इसको उगाई थी कोई केमिकल वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं था तो फिर मेरा मन हुआ चलो इसको नहीं धोते हैं इसको ऐसे ही यूज़ करते हैं लेकिन आप जरूर धो लेना क्योंकि आप मार्केट से लाएंगे ना तो वो बहुत ही मतलब गंदगी से आती है पालक तो उसको अच्छे से धो लेना तो मेरा मन नहीं हुआ तो मैंने नहीं धोया और ये हमारी पालक देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट पत्तियाँ हैं इसकी तो बस क्या करेंगे अब हम पालक को काटेंगे तो पालक को ना थोड़ा सा मोटा मोटा सा काटना है मतलब बारीक बारीक नहीं काटना है थोड़ा सा मोटा मोटा सा कुछ इस तरीके से जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं तो पालक को हम साइड में रखते हैं यहाँ पर मैंने आधा कप के करीब फ्रेश मटर ले ली है और लहसुन की कलियाँ ले ली हैं तो थोड़ी सी लहसुन को हम अलग निकाल लेते हैं और अदरक को इसको हम साइड में रखेंगे और बाकी लहसुन को अभी हम बारीक बारीक कट कर लेंगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ली है तीन मीडियम साइज़ की प्याज तो प्याज को ना हम एकदम बारीक बारीक काट लेते हैं अब सबसे पहले मुझे यहाँ पर आप ये बात बताइए कि आप मेरा ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं मतलब अगर भारत से हैं तो भारत में किस राज्य किस शहर से हैं अगर आप विदेश से देख रहे हैं मतलब दूसरे देश से देख रहे हैं तो अपने देश का नाम भी बताइएगा मुझे बहुत खुशी होगी और मैं अगले वीडियो में किसी एक व्यूअर्स का नाम लूँगी उसके शहर समेत तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा अब यहाँ पर ले लिया है मैंने अपना मिनी गार्लिक वाला चॉपर तो बस इसमें क्या करेंगे हम अदरक डाल देंगे लहसुन डाल देंगे और एक मुट्ठी मैंने हरा धनिया ले लिया है तो इसको भी हम काट के डालेंगे ये चॉपर छोटा है ना तो मैं इसमें काट काट के इसलिए डाल रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे प्याज भी काटा था ताकि ये आसानी से चॉप हो सके अब बस सभी चीज़ों को क्या करेंगे हम बढ़िया से चॉप कर लेंगे और इसमें डाल देंगे एक चम्मच सूखा वाला धनिया यानी साबुत धनिया और बस अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लेते हैं तो लीजिए भाई हमने सभी चीजों को चॉप कर लिया है और देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से सभी चीजें चॉप हो चुकी हैं। अब यहां पर बस हमें एक तैयारी और करनी है वो ये है कि हमें लेना है दो चम्मच बेसन तो बस इस बेसन को क्या करना है हमें बिल्कुल धीमी आंच पर बढ़िया से भून लेना है क्योंकि आज हम पालक बेसन वाली बना रहे हैं ना तो बेसन को ना हम भून करके इस्तेमाल करेंगे ताकि उसका जो कच्चापन है वो फ्लेवर ना आए वो ख़त्म हो जाए बढ़िया सौंदा सौंदा सा फ्लेवर आए तो बस बिल्कुल धीमी आँच में लगभग हम तीन से चार मिनट के लिए इसको भूनेंगे हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए गोल्डन सा हो जाए बस इतना ही हमें भूनना है और जैसे ही बेसन भूनता है ना तो बढ़िया सी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगती है और कलर भी चेंज हो जाता है तो देख सकते हैं बेसन का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है और खुशबू तो आप ले नहीं सकते मैं ले रही हूँ फिलहाल बहुत अच्छी आ रही है अब बस यहाँ पर हम गैस में कढ़ाई रखेंगे इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल तेल को बढ़िया से गर्म होने देंगे जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा साथ में हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ लहसुन और लहसुन को ना हम गोल्डन होने तक बढ़िया से फ्राई करेंगे लहसुन का कलर बढ़िया से फ्राई हो चुका है तो अब इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज अब प्याज को ना हमें लाइट गोल्डन होने तक भूनना है इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं भूनना है और प्याज का कलर जैसी लाइट गोल्डन हो जाएगा तो इसमें हम चॉप की हुई हरी प्याज लहसुन और अदरक डाल देंगे और इसको भी हम प्याज के साथ थोड़ा सा और भूनेंगे तो अच्छे से हमारा ये जो हमने डाला था चॉप करके ये भी बढ़िया से भुन चुका है अब इसमें हम डाल देते हैं कटे हुए टमाटर एक बड़े साइज़ का तो टमाटर को हम अच्छे से करेंगे मिक्स और मिक्स करते हुए लगभग एक मिनट तक इसको इसी तरह से पकाएंगे अब बारी आती है इसमें मसाले डालने की तो मसाले इसमें हम क्या क्या डाल रहे हैं ध्यान से देख लीजिए हल्दी पाउडर डेढ़ चम्मच के करीब धनिया पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला कुटी हुई लाल मिर्च साथ में पिसी हुई लाल मिर्च कलर के लिए और स्वाद अनुसार नमक और अच्छे से हम मसाले को मिक्स करेंगे और अभी मसाले थोड़े से सूखे से हैं तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि मसाले जले ना अच्छे से भुन जाएँ और टमाटर भी हमारे बढ़िया से गल जाए तो बस इसको हमें क्या करना है बढ़िया से भूनना है और टमाटर को ना बीच बीच में थोड़ा सा मैश करते जाना है झरिया से ही हम मैश करते जाएंगे ताकि अच्छे से इसकी प्यूरी जैसी बन जाए अच्छा सा पेस्ट बन जाए इसका मसाला तो मसाला जो है बहुत अच्छे से भुन चुका है बढ़िया इसका कलर भी आ गया है तो बस इसमें डाल देते हैं हम मटर मटर को भी हम बढ़िया से मिक्स करके अच्छे से इसको भूनेंगे लगभग आधा एक मिनट के लिए और बस उसके बाद हम इसमें डालेंगे कटी हुई पालक यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको फिर से याद कराना चाहती हूँ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ ही में शेयर कर दीजिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा मैं आपके कमेंट जब पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए प्लीज़ कमेंट में कंजूसी मत किया करिए कमेंट तो आप ज़रूर किया करिए अच्छा लगे वो कमेंट कर सकते हैं रेसिपी अच्छी ना लगे तो वो कमेंट भी कर सकते हैं कि रक्षा आज की आपकी रेसिपी अच्छी नहीं लगी वो भी कर सकते हैं ठीक है अब बस क्या करेंगे इसमें हम डालेंगे बेसन भुना हुआ जो बेसन था ना उसे डालना है और उसको भी हमें अच्छे से मिक्स करना है इसी सब्जी के साथ और लगभग आधा मिनट तक हमें इसी तरह से अभी बेसन को और भूनना है ठीक है वैसे तो भुना हुआ है लेकिन मसाले के साथ अभी हमें और भूनना है आधा एक मिनट के लिए और बस जब अच्छे से बेसन मिक्सअप हो जाए मसाले के साथ तो उसके बाद इसमें हम डालेंगे पानी तो यहाँ पर लगभग मैं डेढ़ कप के करीब पानी डाल रही हूँ क्योंकि हम इसको पकाएंगे ना और बेसन है तो बेसन की वजह से एक गाढ़ापन आ जाता है सब्ज़ी में जिस लिए हम यहाँ पर लगभग डेढ़ कप के करीब पानी डालेंगे और उसके बाद इसको ढक करके पकने देंगे तो सब्जी को हम साइड में रखते हैं और अब मैंने बोला था ना कि मुझे एक मीठा बनाना है तनवी के लिए तो वो मीठा अब मैं बनाने वाली हूँ तो उसके लिए हम एक कढ़ाई निकाल लेते हैं तो गैस करिए क्या मीठा बना रही हूँ जी मैं बना रही हूँ सेवई की खीर तन्वी को बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे भी बहुत अच्छी लगती है बचपन में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी अगर आपको पसंद है तो ज़रूर बताइएगा तो इसके लिए हम ले लेते हैं सेवई तो ये मेरी घर की सेवई है हमारे यहाँ घर में स्टोर करके रखते हैं हम लोग साल भर के लिए तो बस थोड़ा सा हम घी डालेंगे और यहाँ पर मैंने एक कप के करीब सेवई ले ली हैं इनको हम बिल्कुल धीमी आंच में भून लेंगे भूनने से ना सेवई की खीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब तक कि सेवई गोल्डन कलर की नहीं हो जाती तब तक इन्हें अच्छे से भून लेना है और जैसे ही सेवई का कलर गोल्डन कलर हो जाए तो इसमें हम डाल देते हैं दूध पूरा मैंने एक गिलास दूध डाल दिया है अब बस दूध के साथ इसको हम अच्छे से पकने देंगे लगभग पचास तक सेवैयाँ जो हैं वो पक जानी चाहिए और जब ये हल्की सी सॉफ़्ट हो जाएंगी ना तब इसमें हम डालेंगे चीनी तो जब तक सिवई पक रही है यहाँ पर हम अपनी सब्ज़ी चेक कर लेते हैं तो हमारी जो पालक बेसन की सब्जी है बनके बिल्कुल तैयार है बट इतना ज़्यादा धुआं निकल रहा है कि अच्छे से दिखी नहीं रही होगी तो अभी हम इसको साइड में रखते हैं सब्जी को बाद में मैं आपको दिखाऊँगी तो सब्जी को मैंने बंद कर दिया है गैस को साइड में रख दिया है और यहाँ पर जो सिवैयाँ हैं वो लगभग पचास पक चुकी हैं तो इसमें अब हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार चीनी तो करीब मैंने पाँच चम्मच के करीब चीनी डाली है और बस इसको मिक्स करेंगे और दो तीन मिनट के लिए और इसे पकने देंगे तो ये खीर बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है सात से आठ मिनट में खीर बन तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी देख सकते हैं पालक और बेसन की सब्जी भी बन बिल्कुल तैयार है तो अगर बोर हो चुके हों हर बार वही पिसी पालक वही आलू पालक खा करके तो एक बार आप ये पालक की और बेसन की सब्जी ज़रूर ट्राई करिएगा बहुत ही मस्त लगती है मतलब एक बार आप बनाएंगे ना तो हमेशा आप इसको अपने खाने में शामिल करेंगे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है और बिल्कुल मतलब बेसन का ऐसा टेस्ट नहीं आता कच्चा सा हमने जिस तरीके से इस इसमें बेसन यूज किया है बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी का पूरा स्वाद ही बढ़ जाता है तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई करना तो बिल्कुल बनता है तो चलिए भाई अब हम फटाफट से लगाते हैं अपनी थाली तो एक्चुअली में ना तोसी के पापा के लिए मैं ये थाली लगा रही हूँ क्योंकि उनके खाने का टाइम हो गया है उनको जाना है मंडी तो बस ये रही हमारी पालक की सब्जी साथ ही में हमारी टेस्टी सी सेवई की खीर साथ ही में मैं रख रही हूँ एक खजूर वाला लड्डू जिसकी रेसिपी मैंने परसों ही आपके साथ शेयर करी थी ये रही मूली साथ में एक लाल मिर्च का अचार और ये रही हमारी रोटी तो हमारी पूरी थाली बिल्कुल तैयार है तो मैं तो चली तो पापा को देने आप भी ये कॉम्बो जरूर बनाइएगा बहुत ही अच्छा लगेगा रौनक आ जाएगी खाने में आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर